तो उस पे चल पास कर दूँ। यहाँ बात किसने की, उसका फोन नंबर बताओ किस किस ने किया। अभी भारती जी आएंगे, इंतजार करो थोड़ा, सरकारी काम है यार। साढ़े चार नोट बोलूँगा जब तरह ऊपर से जा, हमारे नहीं ऊपर से जाते हैं यार। कल भी जाएंगे तो वो ऐसा है ना, वो परेशान है तो वो अभी गुंडे बचने गई थी, वो उनको बेच आई थी 1200 रुपये का, वो उनको बेच आई थी कल 1200 रुपये। नहीं नहीं सामान मत बेचो, इतना तुम भी कर सकते हो अपने भाई जब उसके। नहीं तो भाई हूँ तो मैं इतना नहीं कर सकता। माँ बाप तो होंगे तुम्हारे, भाई और भी तो होंगे। पिताजी है नहीं, एक्सपायर भाई नहीं तुम्हारा? मेरा भाई को नहीं, मैं ही हूँ उसका भाई। मैं यहाँ पर काम करता हूँ हॉस्पिटल में, बाद की नौकरी करता हूँ। 6000 रुपये पहले भी नहीं आएगी मेरी, थोड़े बहुत होते तो मैं 2-4 हज़ार कराए था, 10,000 रुपये कम कर देना। 5,000 करा मैं कम कल दे जाऊँगा 5,000, है ना? ठीक है, हाँ। अब वो भैया फ़ोन तो नहीं करेंगे फिर मुझे? कौन से? वो जो प्रमोद भैया। अच्छा प्रमोद, उनको मैंने 200 रुपये दे दिए थे। क्यों दिए तुमने उसको? वो कह रहे थे कि मुझे चाहिए तो मैंने। 5,000 तो कम रहेंगे, ऊपर भी जाते हैं ना, खाली हम नहीं रखते, कई लोगों को जाते हैं, आगरा भी जाती है ना फाइल, तुम वहाँ भी जाते हो। तुमने कम है देख लो, वो कोई बेचारी कुछ ही नहीं है उसको, हम पे भी हम भी किराए पे रहते हैं यहाँ पे, अब वो भी उसको भी किराए। शाम को फोन करो मेरे को, शाम को 7 तक तो कर दिया, वो वहाँ आगरा भी जाती है फाइल, आगरा जाती है। कल वो कुंडल लेन लेके गई थी, उसने बेचा नहीं। नहीं 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 तो उस पर चल पाँच कर दूँगी, 5 करा दूँगा, है ना? मैं आपको फ़ोन करके दे, भैया मनीष गौतम जी ने कल बुलाया था, ये कहा मनीष गौतम वो बाहर भी गए आए बार ही अरे आए बार गाड़ी का बाप पर रबर लगवा दे। अरे जिन्होंने यहाँ नंबर दे, यहाँ बात किसने की, उसका फोन नंबर बताओ किस किस ने की। हम ये वो कौन करवा रहे? आप क्या काम कर रही हैं? क्या काम चाहती क्या काम? हम शादी हमारे यहाँ बहुत है, हमारी इतनी बहन शादी हुई थी तो क्या करते हैं? फॉर्म भरा हुआ था। नहीं नहीं, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। कौन सा नंबर है? यहाँ से जिनका टेलीफोन गया था कि भेज दो, बता दो, बता। वो उनसे मिलना था मुझे कल, ये मंगाए थे कागज। अभी भारती जी आएंगे, इंतजार करो थोड़ा, सरकारी काम है यार। ये कल मंगाए थे कागज। आप फोन करते थे? क्या हुआ भाई बताओ यार, क्या हो गया था? अगर तू इतना मारे तो मैं क्या समझाया उसको, उसको ले यार मैंने कहीं नहीं होगा, कर घर छुट्टी करो, आज ही कर लो, आज ही करा दो, कोई भरोसा नहीं है। लिहाज से कहा वो बड़े ट्रामा सेंटर खोल दिया मेरे पास, बता रहा था सर की कल बैठा मेरी बात करा डी एम साहब इससे भी बात करो, मैं जो करूँ? चलो छोड़ो, वो कुछ नहीं मंगाया था प्रधान, वो माए था वो व्यस्त नहीं हो पाई, वो कौन उसकी मैंने प्रधान वाले प्रधान वो सब तो ऐसी फैल जाएगी, अभी वो नहीं जाएगा जिसको कर दो। नहीं वो तो नहीं, उसकी पत्री है ही नहीं, नहीं बयान जिसने एप्लीकेशन लगाई है वो आए सामने। और तो फंसेंगे तो है ही, क्या क्या करें वो ये प्रधान का तो वो लगा दिया था, फिर पार्षद का सबकी लगा दी थी, ये मंगाई थी 2 गवाहों की ठीक है। कल वो वहाँ गई थी कुंडल रखने तो वो रखे नहीं, उसने कह दी बाद में 2-3 दिन बाद आएंगे। जी हेलो,
उमेद चंद जी सर जी, मैं लेवल ऑफिस से बोल रहा जी, अदा सर मैं बोल रहा हूँ सुभाष सर, सुभाष सर चल रहे हेलो। अरे सर आ गया है, नमस्ते नमस्ते। अभी कब तक आ जाएंगे? तीन चार तीन महीने लगते हैं। तीन महीने? अरे फोन नीचे रख ले भाई, जेब में। अरे नहीं सर, कोई नहीं, सीधे रख ले भाई, आजकल की जगह तो उनका फोन आ गया। साढ़े चार नहीं हो पाए जी, प्रमोद भैया का आप नहीं आया, नहीं हो पाए तो इसमें आठ की बनती नहीं हो पाया। पाँच सौ दे दो, बीस का नोट था तो ट्रेनिंग वाले ने वो फटा नोट के चक्कर में बैठा नहीं, 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 नहीं तो रख ले सामने रख जाएंगे बात सुन रहे मजबूरी यार, मेरी तो मजबूरी आज वो सब कुछ झूठ बोलो, सब कुछ साथ दिए ये झूठ बोलूँगा जब करेंगे क्या वो पता जा हमारे नहीं वो पता जाता है कुछ कर ले निकाल ले। नहीं मेरे सुनो सर बात तो सुनो, बात सुन रहा तू समझते नहीं बात को यार, टेलीफोन जेब में रख लो। अरे दिलो आप नहीं समझते नहीं बात को यार।